हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 200 की अंडर मिलने वाले ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपके बजट में भी फिट होगा और बहुत ज़्यादा अफोर्ड करने वाले प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। ये जो सारा मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी ये 200 के अंदर ही आपको मिलेगी, और अगर आप इसे ऑनलाइन से बाई करोगे तो शायद इसके कम में भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है और ये सभी जो प्रोडक्ट्स है वो 200 की बीच में ही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूँगी वो है मेकअप प्राइमर से, और मेकअप प्राइमर की तौर पे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी एक एलोवेरा जेल जो कि है मेरा गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, और इसका जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है और इसका जो प्राइस है वो 215 है। इसमें 50 ग्राम का भी पैकेजिंग आता है जिसका प्राइस बहुत ही मेकअप प्राइमर की तरह भी काम करेगा, और इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी से मॉइस्चराइज भी होगा और हाइड्रेट भी होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ फेस मॉइस्चराइज़र की। तो मेरे पास यहाँ पर दो फेस मॉइस्चराइज़र है, आप कोई सा भी ले सकते हो। फर्स्ट जो है वो है मेरा लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, ये एक फेस मॉइस्चराइज़र है जिसका प्राइस है 105 रुपीज़ और इसका जो प्रोडक्ट क्वान्टिटी है वो है 65 ग्राम, ठीक है। इसमें और भी बहुत पैकेजिंग आता है। और दूसरा जो मेरा फेस मॉइस्चराइज़र है वो है निविया का सॉक, और इसका जो प्राइस है वो 45 रुपीज़ है और इसका जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 25 ml है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक फाउंडेशन के बारे में जो कि है एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन जो आपकी स्किन को भी बहुत अच्छी से कंप्लेशन करता है और साथ ही जो लुक है वो ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको बिल्कुल भी फाउंडेशन लगाने के बाद आपको कोई सा भी पैची सा फील नहीं होता है। ये एक मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन है जिसमें मेरा शेड है 220, और ये एक नेचुरल बीच फाउंडेशन है, इसमें जो शेड नेम है वो नेचुरल बीच है और इसका जो प्राइस है वो 299 रुपीज़ है, और अगर आप इसे ऑनलाइन बाई करोगे तो इसका प्राइस आपको 200 के आसपास ही मिल जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊंगी एक फेस पाउडर के बारे में जो कि है मेरा लैक्मे का रोज़ पाउडर। ये एक पाउडर है जिसमें सनस्क्रीन, ये जो पाउडर है ये लूज पाउडर है, इसे आप फाउंडेशन लगाने के बाद भी यूज़ कर सकते हो और एज ए डेली बेसिक भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 160 रुपीज़, आप देख सकते हो। इसे अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे तो इसका प्राइस जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 40 ग्राम है, यानी आपकी डेली बेसिक की यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा पाउडर है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक आई शेडो पैलेट जो कि एक आई शेडो पैलेट होने के साथ साथ एक पाउडर भी है, एक ब्लश भी है और एक हाईलाइटर भी है। मेरे पास यहाँ पर है हिलारी रोरा का ये आई शेडो पैलेट जो कि 12 शेड में आपको मिलता है, और ये जो 12 शेड है वो सभी के सभी शिमरी शेड है, और इसमें जो मेरा शेड नंबर है वो 02 है। मैंने इसे लोकल स्टोर से बाय किया था जिससे मुझे जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ पड़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 12 शेड है, आप देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिगमेंटेड कलर है, और इसके बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ मिल जाएगा जो कि एक ब्रश है, एक पाउडर है, एक हाईलाइटर है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसका डिटेल्स में रिव्यू चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगी, पर अगर आप चाहते हो तो मैं एक दो स्वाचेस भी आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं ये कलर ले रही हूँ, ये कलर और ये कलर, ये तीन कलर मैंने लिया है, और आप देख सकते हो इसका जो स्वाचेस है वो कितना गहरा है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है, आप इसे ले सकते हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको नेल्स के लिए दो नेल पॉलिश दिखाऊंगी जो कि बहुत बजट में आपको मिलेगा। एक है नेल एलिप्टिन का ये ग्रीन कलर जिसका शेड नंबर है 61, और दूसरा है एलिप्टिन का ये येलो कलर जिसका शेड नेम है 135। ये दोनों कलर मैंने ऑफलाइन बाय किया है और इसका जो प्राइस है वो 50 से 55 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, नेल पॉलिश की बात हो गई तो नेल पॉलिश रिमूवर की बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ। ये मैंने ऑफलाइन से ही बाय किया है, अगर आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है ओबियन का नेल पॉलिश रिमूवर, और ये इसमें 32 पीसेस है और इसका जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बजट में मिलने वाला आपको ये नेल पॉलिश रिमूवर है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कंसीलर के बारे में। ऑब्वियसली ये है वेट एंड वेल्ड का कंसीलर,
और इसका जो प्राइस मैंने जब इसे लिया था वो 200 रुपीज़ था, और अब पता नहीं शायद थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आप देख लेना। मैं जो मेरा शेड है वो मीडियम टॉमी, बहुत अच्छा कंसीलर है, आप इसे आपकी जो कंसील है आई को भी कर सकते हो, फेस को भी कंसील कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आईलाइनर के बारे में। आईलाइनर के बारे में मेरे पास यहाँ पर 2 आईलाइनर है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा। एक है लैक्मे का इंस्टेंट आईलाइनर और दूसरा है मेरा हिलारी रोरा का ये आईलाइनर, पेन आईलाइनर। ओके, आप देख सकते हो ये जो पेन आईलाइनर है इसका जो कलर है वो कितना प्यारा है, मतलब वन स्वाइप पिगमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ है और स्मच प्रूफ भी है। और लैक्मे का जो है आप देख सकते हो ये भी उतना ही गहरा है, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो अच्छा लेना तो आप ये ले लो, और अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं कभी कभार यूज़ करती हूँ तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर ली थी एक मास्करा की जो कि है मेरा ब्लू हेवन का वक्फी मास्करा। ये बहुत ही अच्छा मास्करा है, 120 की। इसमें आप देख सकते हो ये कल शेप में आपको ये मस्करा मिल जाता है जो कि आपकी आइज़ को बहुत अच्छी से, जो आपकी आइज़ की जो लैशेस है उसे बहुत अच्छी से जो है वो कर्ल कर देता है। बहुत अच्छा मस्करा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ लिपस्टिक की, जो कि मेरे पास है ये हिमालय का लिप बाम, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा। इसका जो प्रोडक्ट क्वान्टिटी है वो 3 ग्राम है और इसका जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। लिपस्टिक में मेरे पास है एलिटिंग का कलर पॉप मैट लिपस्टिक, जो कि जिसका जो शेड है वो है P22 कोरल रोज। ये एक कोरल शेड है जो बहुत अच्छा लगेगा मीडियम स्किन पे और ऑल स्किन पे, ठीक है। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो वन स्वाइप पिगमेंटेशन है, बहुत ही अच्छा कोरल कलर है, ये हर किसी स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। और इसका जो प्राइस है वो 80 से 100 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा। उसके बाद और जो एक मेरा लिप कलर है वो है न्यूली लॉन्च हुए एलिटिन का लिक्विड लिप कलर। इसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो। इसका जो शेड है मेरे पास वो है P72 फ्लैमिंगो पिंक, बहुत अच्छा पिंक शेड है, आप देख सकते हो। इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये रहा, ये 120 का है, आपको इसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर मिल जाएगा। इसके बाद मेरे पास एक और लिपस्टिक है जो कि है ब्लू हेवन का ये एलिगेंस मैट लिप कलर। इसका जो प्राइस है वो 105 रुपीज़ है। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करोगे तो शायद इसका जो प्राइस है वो 90 के आसपास आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारा कलर जो है वो अवेलेबल है, मेरे पास यही कलर बचा है। मैंने इसका बहुत सारा कलर जो है मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो आप देख सकते हो। ये फेयर स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा, मीडियम स्किन के लिए ये कलर सूटेबल नहीं है। इसमें जो मेरा शेड है वो है, इस पर जो मेरा शेड है वो है 11, ठीक है। 11 जो शेड है वो फेयर स्किन टोन के लिए अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मीडियम स्किन पे ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो शायद मीडियम स्किन पे ये आपको अच्छा लग जाएगा। और इसका जो प्राइस है मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। उसके बाद मेरे पास एक काजल है जो कि है एलिटिन का आई ड्रामा काजल। ये जो काजल, इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ से भी कम प्राइस में आपको ये मिलेगा। इसका जो पिगमेंटेशन है दोस्तों ये जेड ब्लैक कलर है, आप देख सकते हो। इसका जो कलर है वो कितना प्यारा कलर है और ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ ट्रांसफर प्रूफ काजल है, बहुत इसे हर जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 2 लिप लाइनर दिखाऊंगी जो कि है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। ये दोनों ही लिप लाइनर का जो प्राइस है वो 30-30 रुपीज़ है, बहुत अच्छा बजट में मिलने वाला लिप लाइनर है। इसमें जो मेरा फर्स्ट शेड है वो है कोको न्यूड 03, ठीक है। इसका जो शेड है वो कुछ इस टाइप का है, एक न्यूड कलर है, आप देख सकते हो। और दूसरा जो है वो है चेरी ब्राउन 06, ठीक है। ये एक ब्राउन शेड है एवरीडे के लिए, आप ले सकते हो। इसका जो शेड है वो कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो, बहुत पिगमेंटेड है, आपकी लिप लाइनर के लिए बहुत अच्छा। जो लोग लिपस्टिक लगाने में प्रेफर नहीं करते वो लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है जो कि आपके आईब्रो के लिए है। यहाँ पर मेरे पास आईब्रो पेंसिल है जो कि है ADS का आईब्रो पेंसिल। इसका जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा बजट में। और इसमें जो मेरा शेड है वो ब्लैक है, अगर आप चाहो तो आप ब्राउन से भी ले सकते हो, पर मैंने इसमें ब्लैक ही लिया है, आप देख सकते हो। इसका जो कलर है वो कितना
पिगमेंटेड कलर है, बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक कलर है, बहुत अच्छा है बजट में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेकअप रिमूवर के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक बहुत ही बजट में मिलने वाला एक मेकअप रिमूवर है, जो कि मेरा हिमालयन का ये जेंटल बेबी वाइप्स। आप इससे भी आपकी मेकअप रिमूवर भी कर सकते हो, और हिमालय का भी और भी एलोवेरा और नीम का भी एक आता है, उससे भी आप अपने मेकअप को क्लीन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल बटन को भी क्लिक कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इन सब में किसी का भी डिटेल्स रिव्यू चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।